आप मेरे हाथ में एक पेंसिल देख रहे हैं इस टाइम, सारे बच्चों को नजर आ रही है। गर्ल्स को इससे पहले मैं ये पेंसिल दिखा चुकी हूँ लेकिन बॉयज को नहीं दिखाई। कल के दिन आपने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती एक वीडियो देखी जो घूड़ा चौक से एक शॉपकीपर बना रहा था, उसने कुछ ऐसी पेंसिल शो की और फिर उनको ऊपर से तोड़ के दिखाया कि कुछ औरतें हमारे मोहल्ले के अंदर आई हैं और वो बच्चों में ऐसी पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। लेकिन ये वीडियो इतनी वायरल हो गई, चंद मिनटों के अंदर हर बंदे के पास ये वीडियो थी, तो तकरीबन मेरे पास 50-60 लोगों ने वन बाय वन ये वीडियो सेंड की होगी। लेकिन हमारे स्कूल में क्लास 4 के अंदर एक बच्चा है हमादुर रहमान, स्कूल हमारा MD गजाली पब्लिक स्कूल साना, मैं प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। हमारे स्कूल के बच्चे को कल 2 अक्टूबर 2020 इतवार के दिन किसी औरत ने बाजार के अंदर ये पेंसिल दी है और उस बच्चे ने ला के मुझे दी। ये आप सारे लोग गौर से देखें इस चीज़ को, ये जूम करके दिखा देने, ये गौर से देखें, ये पेंसिल के पीछे कोई रेजर नहीं है, ये ऊपर रेड कलर का शेल है और अंदर वाइट कलर की टैबलेट टाइप कोई चीज़ है, ये बिल्कुल भी रेजर नहीं है। इसको मैंने बगौर मुशाहिदा किया है, आप सब भी देख सकते हैं इस चीज़ को और ये अपने बच्चों को इस चीज़ से आगाह करें कि किसी भी अजनबी से कोई चीज़ ना लें। बल्कि आजकल जो हालात आपको इस टाइम नज़र आ रहे हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं ना इस तरफ, किसी जानने वाले से भी कोई ऐसी मशकूक चीज़ बिल्कुल ना लें। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को? ये इस पेंसिल को फिर गौर से देखें, ये देखें इसके ऊपर ये रेड शेल है और इसके अंदर ये वाइट कलर की टैबलेट है। बॉयज नजर आ रही है आपको? और ये मेरे स्कूल के बच्चे ने, MD गजाली पब्लिक स्कूल साना के बच्चे ने मुझे पेंसिल ला के दी है, ये आप देख लें इसको फिर से गौर से। ठीक हो गया, तो ये वीडियो बनाने का मकसद और आप लोगों को इतना बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों तक ये आगाही नहीं है, हमारी आवाज़ उन लोगों तक भी पहुंचे और वो अपने बच्चों को महफूज बना सके। थैंक यू सो मच।